वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास सिक्स का होरिजन बुक ऑफ सोशल साइंस। ये बुक का नाम है, सेक्शन है हिस्ट्री, क्लास सिक्स का ये हम देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर है टू, जिसका नाम है फ्रॉम हंटर गैदर्स टू फूड ग्रोअर्स। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, हिस्ट्री सब्जेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इससे पहले स्टार्ट करें, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए बिना कोई वक्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। अर्ली ह्यूमन बीइंग्स हु रिसेम्बल्ड एप्स एंड मंकीज। ठीक है, यानी कि कह रहा है कि अर्ली समय में जो ह्यूमन हुआ करते थे, रिसेम्बल्स वो रहा करते थे, या इनसे मिलके रिसेम्बल हुए, जुड़े हैं, बने हैं, जैसे एपेज हो गए, मंकीज हो गए, वर्क कॉल, तो उनको हम क्या कहा करते थे। ठीक है, और वैसे भी आप जानते हैं कि मंकीज है ना, हमारे एंसेस्टर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई इसको क्या कहा करते थे हम, होमोसेपियंस, होमोनिड्स एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। तो राइट आंसर है बेटा होमोनिड्स। नेक्स्ट, द कॉन्टिनेंट नोन एज क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड इज। ठीक है, तो यानी किस कॉन्टिनेंट को क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहा जाता है। राइट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे, क्या अमेरिका है, क्या वो अफ्रीका है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया है। तो राइट आंसर है बेटा अफ्रीका को कहा जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड। नेक्स्ट, इन पैलियोलिथिक एज द मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स वर। ठीक है, तो यानी पैलियोलिथिक एज में जो मटेरियल्स यूज हुआ करते थे टूल बनाने के लिए, हथियार औजार बनाने के लिए, वो क्या थे, क्या वो आयरन था, क्या वो स्टोन था, क्या वो वुड था। तो राइट आंसर है बेटा स्टोन। किसके बनाए जाते थे टूल्स, पत्थर के बनाए जाते थे। नेक्स्ट, माइक्रोलिथ टूल्स वर मेड इन। माइक्रोलिथ जो टूल्स थे वो बनाए गए थे, ठीक है, मेड इन कब, किस एज में। ऑप्शन ए पैलियोलिथिक एज, मैसोलिथिक, नियोलिथिक। राइट आंसर है बेटा मैसोलिथिक एज में बनाए गए थे। नेक्स्ट, मैन स्टार्टेड फार्मिंग एंड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ इन, यानी जो इंसान थे है ना, लोग थे, स्टार्टेड फार्मिंग, उन्होंने खेती करना स्टार्ट कर दिया था। लिविंग सेटल्ड लाइफ, यानी एक जगह सेटल हो गए थे, अब वो ऐसे नहीं करते थे है ना, कुछ साल कुछ समय यहाँ बिताया, कुछ समय दूसरी जगह, ऐसे मूवमेंट नहीं होता था उनका इतना जगह है ना। तो कब से ये हुआ था, पैलियोलिथिक एज से, नियोलिथिक एज से, या मैसोलिथिक एज से। राइट आंसर है नियोलिथिक एज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, मदर ऑफ टूडेज ह्यूमन बीइंग वाज नेम गिवन बाय द आर्कियोलॉजिस्ट टू द स्केलेटन ऑफ, यानी किसके स्केलेटन को आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, ठीक है, मदर ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग, ठीक है, ये नाम दिया गया है। ठीक है, टुडेज है ना ह्यूमन बींग, आज के इंसान का, ह्यूमन का मदर किसको माना गया है। तो राइट आंसर है ल्यूसी। किसको माना गया है, ल्यूसी के स्केल्टन को। नेक्स्ट, स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू फेजेस। स्टोन एज जो है वो कुछ फेजेस में, पार्ट्स में डिवाइड है, कौन सी है वो, थ्री एजेस फेजेस हैं, कितनी है, थ्री फेजेस। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक रिमेन्स इन इंडिया आर मेड अप ऑफ ए पेक्यूलियर काइंड ऑफ रॉक कॉल्ड, यानी मोस्ट ऑफ, ज्यादातर पैलियोलिथिक रिमेन्स जो है, अवशेष जो थे उस टाइम के, बचे कुचे जो चीजें थी, इन इंडिया, भारत में बात करें, मेड अप ऑफ ए पेक्यूलियर काइंड ऑफ रॉक, वो एक टाइप की पेक्यूलर टाइप की रॉक से मिलकर बने हुए थे। तो क्या कहते थे ऐसी चीज को जो इनसे बने होते थे। राइट आंसर है, ठीक है, इसको कहते थे क्वार्टजाइट। क्या कहते थे, क्वार्टजाइट। चलिए नेक्स्ट, फायर वाज डिस्कवर्ड इन, आग की खोज की गई थी, ठीक है, कब, किस एज में। राइट आंसर है पैलियोलिथिक एज में फायर की डिस्कवरी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू देयर टाइनी साइज द टूल्स ऑफ मेसोलिथिक एज वर कॉल्ड। ठीक है, टिनी या टाइनी जो होता है बेटा, छोटा साइज होता है ना, साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था। राइट आंसर है माइक्रोलिथ, है ना, ये माइक्रोलिथ पहले भी वर्ड आ चुका है। चलिए नेक्स्ट, अब आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन पे। क्या है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, देखिए, कार्लोस
लिनेस इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये जो कार्लोस लिनेस थे इस कॉल्ड इनको कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो क्या ये बात सही है या गलत है? तो राइट आंसर जानेंगे, ये बात ट्रू है। क्या है बेटा? ट्रू है। नेक्स्ट, द वर्ड पैलियोलिथिक इज फॉर्म फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स। कह रहा है कि जो पैलियोलिथिक वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, दो लैटिन भाषा के शब्द हैं। कौन कौन से? नेमली एक है पैलियोस, दैट इज जिसका मतलब होता है ओल्ड, एंड दूसरा है लिथो जिसका मतलब होता है स्टोन। तो क्या ये बात सही है? दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या है बेटा? ये फॉल्स है। नेक्स्ट, फायर वॉज डिस्कवर्ड इन न्योलिथिक एज। क्या फायर की डिस्कवरी न्योलिथिक एज में की गई थी? तो इससे पहले भी हम शायद है ना एमसीक्यू में कहीं पर देख चुके हैं। तो ये क्या है बेटा? फॉल्स है। क्या है? ये फॉल्स है। नेक्स्ट, ह्यूमंस स्टार्टेड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स इन मेसोलिथिक एज। इंसानों ने डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स मतलब घरों में अपने एनिमल्स को पालना पोसना शुरू कर दिया था, ठीक है? वो पशुपालन किया करते थे किस एज में? मेसोलिथिक एज में। तो क्या बात सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग कॉपर इन न्योलिथिक एज। ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया था कॉपर का इस्तेमाल करना न्योलिथिक एज में। तो क्या सही है? फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, डी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। कुछ टर्म्स को आपको डिफाइन करना है। क्या है वो टर्म्स? नंबर वन, प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। दूसरा है हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। और थर्ड है पिट ड्वेलिंग्स। तो चलिए एक एक करके डिफाइन करते हैं इनको। फर्स्ट, प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक। इट इज ए टेक्निक इन विच ए पॉइंटेड स्टिक और ए बोन वॉज यूज टू रिमूव द फ्लेक्स फ्रॉम बोथ द साइड्स टू शार्पन द एजेस एंड मेक मोर रिफाइंड टूल्स। तो कह रहा है ये एक ऐसी टेक्निक है इन विच जिसमें कि पॉइंटेड स्टिक, पॉइंटेड जिसमें नोक होती थी, टिप होती थी, है ना, ऐसी स्टिक को या बोन को यानी हड्डी लेते थे ऐसी पॉइंटेड वाली शार्प होती थी जो, है ना, वॉज यूज टू रिमूव द फ्लेक्स और उससे फ्लैक्स रिमूव करते थे फ्रॉम बोथ द साइड दोनों तरफ से टू शार्पन जिससे कि वो शार्प हो जाए, तेज हो जाए, ठीक है, द एजेस उसकी एजेस क्या हो जाए, शार्प हो जाए एंड मेक मोर रिफाइंड टूल और एक अच्छा तेज धारदार हथियार बन सके। दूसरा, हैबिटेशन की बात करें, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। यहाँ पे क्या होता था? दोज प्लेसेस वेयर स्टोन टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स यूज बाय पैलियोलिथिक पीपल, ठीक है? तो ये वो स्थान हुआ करते थे, वो प्लेसेस हुआ करते थे जहाँ पे स्टोन टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स और स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ करती थी बाय पैलियोलिथिक पीपल के द्वारा। नेक्स्ट है पिट ड्वेलिंग। इसमें जानते हैं, इट इज ए काइंड ऑफ लार्ज हाउस। एक बड़ा टाइप का घर टाइप का हुआ करता था ऑन ए ग्राउंड, एक मैदान में, यूज फॉर शेल्टर। शेल्टर मतलब आवास के लिए, शरण लेने के लिए इस्तेमाल करते थे। स्टोरिंग ग्रेन्स और ग्रेन्स इकट्ठा करने के लिए, अनाज को इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल करते थे, है ना, स्टोर करके रखने के लिए। नेक्स्ट, ई डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। इनमें अंतर बताना है। क्या है? पहला, स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, ठीक है, एंड प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक। इसमें अंतर बताना है, ठीक है। दूसरा है माइक्रोलिथ एंड मेगालिथ, ठीक है। तो भाई ये स्टोन ऑन स्टोन है ना, तो ये समझिए स्टोन टेक्निक है ना, एक इसको काट देते हैं, स्टोन टेक्निक और प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक में। चलिए तो स्टोन टेक्निक की बात करते हैं और प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक की बात करते हैं। क्या है? इट इज ए टेक्निक स्टोन टेक्निक इन विच जिसमें कि स्टोन वाज स्ट्रक, है ना, स्टोन से पत्थर से स्ट्रक किया किया जाता है, स्ट्राइक करते थे, मारते थे उसको, विद अनदर स्टोन, एक पत्थर को दूसरे पत्थर से हिट किया करते थे, स्ट्राइक किया करते थे, लाइक ए हैमर, जैसे हथौड़े से मारते हैं, अनटिल ए डिजायर से बाज ऑप्टेन, और जब तक मतलब कि काट काट के थोड़ा उसको निकालते रहते थे और जब तक कि जो शेप आप चाहते हैं वो बन ना जाए तब तक ऐसा करते थे, ठीक है। प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक में क्या करते थे? इट इज ए, है ना, यहाँ पे इज छूट गया है तो बेटा आप ऐड कर लीजिएगा, इज है यहाँ पे, है ना। इट इज ए टेक्निक इन विच ए पॉइंटेड स्टिक और बोन वाज यूज टू रिमूव द फ्लेक्स। तो यानी इसमें स्टोन यूज करते थे और इसमें क्या यूज कर रहे हैं? ए पॉइंटेड स्टिक और बोन, एक स्टिक छड़ी और बोन हड्डी की, है ना, हड्डी यूज किया करते थे टू रिमूव द फ्लैक्स, फ्लैक्स को रिमूव करने के लिए दोनों तरफ से शार्पन द एज ताकि धार तेज हो सके एंड मेक्स मोर रिफाइंड टूल और एक अच्छा धारदार तेज हथियार बन सके, टूल बन सके। नेक्स्ट, माइक्रोलिथ्स और मेगालिथ्स में अंतर बताते हैं।
माइक्रो, देखो बेटा जहां बड़ा जाए माइक्रो तो समझो छोटा, मेगा मतलब बड़ा, ठीक है। इट ए रिफाइन मोर शार्प, ठीक है, स्मॉल साइज टूल्स दैट आर फॉर्म इन मैसोलिथिक स्टोन एज, ठीक है। तो इट इज ए, फिर से इसमें इज छूट गया है, इट इज ए रिफाइंड, ये रिफाइंड होता है, मोर शार्प ज्यादा धारदार होता है, स्मॉल साइज छोटे साइज का होता है, टूल दैट आर फॉर्म इन मैसोलिथिक स्टोन एज, जो कि मैसोलिथिक स्टोन एज में बनाया जाता था। चलिए, जबकि मेगालिथ के बारे में बात करते हैं, द ब्यूरियल साइट्स वर मार्क विद ए ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन इज कॉल्ड मेगालिथ, ठीक है। अब ये तो छोटे छोटे पत्थरों के टूल बना रहे हैं, मेगा मतलब बड़ा होगा, पत्थर का साइज बड़ा होगा। तो ये क्या थी, ब्यूरियल साइट्स थी, क्या थी, ब्यूरियल साइट्स, पर मार्क भी, तो इन साइट्स को नाम रख दिया गया था विद ए ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक, और इनमें क्या होती है, ये ब्लॉक्स जो होते थे, जगह जो होती थी, ये है ना कैसे होते थे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होते थे ऑफ स्टोन, किसके, पत्थर के बने हुए, तो इन्हीं को कहते थे मेगालिथ्स। चलिए अब आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे, क्या है, नेम द थ्री फेजेस ऑफ पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज की थ्री स्टेजेस के नाम बताइए, ठीक है। तो देखो भाई, पैलियोलिथिक फेज इज डिवाइडेड इंटू थ्री फेज, कौन कौन सी थी, नंबर वन अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक एज, ठीक है, ऑल्सो नोन एज आइस एज, जिसको हम आइस एज के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि लोअर पैलियोलिथिक एज या अर्ली पैलियोलिथिक एज को है ना किस और नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा आइस एज के नाम से। सेकेंड मिडिल पैलियोलिथिक एज, ठीक है, और थर्ड है अपर और लेट पैलियोलिथिक एज। तो ये तीन नामों से है ना इनको डिस्क्रिप्शन किया गया है या डिवाइड किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, वेयर वॉज द स्केल्टन ऑफ ल्यूशी फाइंड, ल्यूशी का स्केल्टन कहां पे फाउंड किया गया है, ठीक है, फाउंड किया गया था। चलिए आंसर एट द हादर, है ना, कहां पे, हादर साइड ऑफ इथोपिया, ठीक है, तो ये जगह का नाम है इथोपिया, ये कंट्री का नाम हो गया। चलिए, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो आंसर है कार्लोस लिनियस वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये नाम आपको याद रखना बेटा। चलिए नेक्स्ट, नेम द टू कैटेगरीज इन टू विच द आर्क्योलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड, तो आपको बताना है दो कैटेगरी बतानी है जिसमें कि आर्क्योलॉजिस्ट जो थे वो डिवाइड थे, यानी जैसे होते हैं ना कोई भाई आप पांच छह लोग हैं तो तीन लोग कह रहे हैं कि भाई ये चीज सही है, तीन लोग कह रहे हैं ये चीज सही, तो मतलब वो बट जाते हैं, उनके क्या होते हैं मत जो होते हैं, विचार जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो बटने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे से लड़ाई है, लेकिन उनके मत क्या है डिफरेंट डिफरेंट है ना, उनकी सोच अलग है थोड़ी, ठीक है। डिवाइडेड द पैथोलॉजिक एज साइड्स, ठीक है, तो आर्क ये क्या कहते हैं, इन टू विच, नेम द टू कैटेगरीज, ठीक है, जिसमें ये डिवाइड किए गए, तो राइट आंसर है द पैलियोलिथिक पीरियड इज डिवाइडेड इंटू टू एराज, दो एराज में डिवाइड था, द लोअर पैलियोलिथिक जो कि माना जाता है, ठीक है, 40,000 BC तक, ठीक है, एंड द अपर पैलियोलिथिक ये माना जाता है 40,000 to 8,000। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ हाउसेस वर मेड बाय द पीपल ऑफ न्यूलिथिक एज, तो कह रहा है किस टाइप के हाउस बनाए गए थे, ठीक है, न्यूलिथिक एज के जो पीपल थे वो कैसे हाउस बनाते थे। चलिए आंसर, दे बिल्ड हट्स विद क्ले, वो हट्स बनाते थे, झोपड़ी बनाते क्ले, मिट्टी से, ग्रास से, ट्विग से एंड स्टिक से। सेकेंड, दीज हाउस हैड स्टोन हर्थ्स दैट वर वेंटिलेटेड थ्रू ए होल इन द रूफ, ठीक है, हर्थ आप जानते हैं भट्टियां होती हैं, यानी घर में खाना बनाने के लिए, जैसे अभी तो गैस सिलेंडर वगैरह CNG वगैरह वो सॉरी LPG यूज करते हैं हम, लेकिन उस टाइम पे क्या होती थी, भट्टी वगैरह होती थी, तो उनके फ्लो के लिए धुआं वगैरह ऊपर जाए, चिमनी टाइप की बनाने के लिए ऐसा किया करते थे, ठीक है। वेंटिलेटेड मतलब कि गैसेस वगैरह पास होने के लिए एक होल होता था इन द रूफ छत में, तो वहां से ये ऐसा बनाया करते थे, घर के स्ट्रक्चर इनकी ऐसी हुआ करती थी। थर्ड, द अर्ली होम्स बर पिट्स डग इनटू द ग्राउंड, इससे पहले की बात करें तो घर जो थे गड्ढा खोद के जमीन में बनाए जाते थे। पीपल ऑल्सो यूज मड ब्रिक्स टू द हाउस, और पीपल जो मड कीचड़ की या आप कहें मिट्टी की जो ईंटें होती थी उनका इस्तेमाल भी किया करते थे। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, भाई लॉन्ग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन का आंसर भी लंबा लंबा हुआ है ना। नेक्स्ट, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन द टूल्स एंड वेपन्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, कह रहा है कि एक छोटा सा नोट लिख के दिखाओ किसके बारे में,
टूल्स एंड वेपन्स ऑफ पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स और वेपन हुआ करते थे वो किस तरह के थे, तो उनके बारे में नोट लिखिए। चलिए एक्सप्लेन कीजिए। मतलब नंबर वन, इन द अर्ली पैलियोलिथिक एज हैवी एंड क्रूड स्टोन्स वर यूज एज टूल। तो कह रहा है कि अर्ली पैलियोलिथिक एज में हैवी भारी भरकम क्रूड कच्चे मतलब पत्थर होते हैं, बहुत ज्यादा पक्के भी होते हैं, है ना। क्रूड मतलब एक नॉर्मली बहुत ज्यादा रिफाइंड वगैरह नहीं हुआ करते, तो ऐसे टूल्स हम यूज किया करते थे, ऐसे स्टोन के टूल्स। ठीक। सेकेंड, लेटर ऑन द टूल्स वर मेड ऑफ एक टाइप ऑफ स्टोन कॉल्ड फ्लिंट विच कुड बी गिवन सम शेप। ठीक है। इसके बाद टूल्स वर मेड ऑफ ए टाइप ऑफ स्टोन, एक अलग टाइप के स्टोन के टूल्स बनाए जाने लगे जिसको हम फ्लिंट स्टोन कहते थे, विच कुड बी गिवन सम शेप, जिसको है ना कुछ शेप दी जा सकती थी, मतलब बाकी के कंपेरिजन में आसान था इनको शेप देना। नेक्स्ट, दीज टूल्स वर शार्प एज्ड एंड कुड बी यूज टू स्क्रैप मीट फ्रॉम द बोन्स। ठीक है। वो कह रहा है दीज टूल, ये जो टूल्स थे वर शार्प, बहुत ही शार्प हुआ करते थे, शार्प एज तेज धार वाले हुआ करते थे, एंड कुड बी यूज टू स्क्रैप मीट फ्रॉम द बोन्स, और मीट को बोन से अलग करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट, टू मेजर टेक्निक्स वर यूज टू मेक दीज टूल। दो टेक्निक थी जो इन टूल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी। नंबर वन, इन फर्स्ट टेक्निक टर्म एज स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, ए स्टोन कॉल्ड कोर स्टोन वाज स्ट्रक। ठीक है। तो कह रहा है एक स्टोन मारा जाता, हिट किया जाता दूसरे स्टोन पे विद अनदर स्टोन लाइक ए हैमर, एक हैमर की तरह हथौड़े की, यानी हथौड़ा भी किसका, पत्थर का, और तोड़ना भी क्या है, पत्थर ही, अंटिल ए डिजायर्ड शेप बाद ऑप्टेन, एक डिजायर्ड शेप ऑप्टेन ना हो जाए तब तक। ठीक है। तो इसको स्टोन ऑन स्टोन है ना, या स्टोन टेक्निक, या स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक, इससे पहले शायद क्वेश्चन में आया था कहीं पे, डिफरेंस हमने लिखा था, तो स्टोन टू स्टोन ऐसा ऐसा क्वेश्चन था। ठीक है। अब क्या करते थे, इन द सेकेंड टेक्निक दैट इज प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक, जो सेकेंड टेक्निक थी जिसको हम प्रेशर फ्लैकिंग टेक्निक कहते हैं, ए पॉइंटेड स्टिक और बोन वाज यूज टू रिमूव द फ्लैक्स। एक पॉइंटेड स्टिक, छड़ी या हड्डी जो है ना, जो पॉइंटेड होती थी, उसका यूज करते थे फ्लैक्स को रिमूव करने के लिए, फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द शार्पन द एजेस। ठीक है। दोनों साइड से एजेस को शार्प करने के लिए, एंड मेक मोर रिफाइंड टूल, और ज्यादा द रिफाइंड टूल प्राप्त होते थे, बन जाते थे। नेक्स्ट, वॉट डू यू नो अबाउट पैलियोलिथिक साइट्स एंड पैलियोलिथिक आर्ट। आप पैलियोलिथिक साइट्स और पैलियोलिथिक आर्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो एक्सप्लेन करना है, बताना है। चलिए बताते हैं। पैलियोलिथिक एज साइट्स, मैनी पैलियोलिथिक एज साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट नियर लार्ज वाटर बॉडीज। तो कह रहा है कि बहुत सारी पैलियोलिथिक एज साइट्स हैज बीन डिस्कवर्ड, पाई गई हैं अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, है ना, भारतीय सब कॉन्टिनेंट के आसपास, नियर लार्ज वाटर बॉडीज, खासकर जहाँ पे वाटर बॉडीज यानी रिवर्स वगैरह, सी वगैरह ये सब हुआ करते थे, जैसे कि रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स। ठीक है। वेयर स्टोन्स वर इजिली अवेलेबल, और जहाँ पे पत्थर आसानी से अवेलेबल हो, तो ऐसी जगह पर ही। ठीक है। सेकेंड, द पैलियोलिथिक पीपल लिव्ड इन ए नोमैडिक लाइफ, वो एक नोमैडिक लाइफ जिया करते थे, यानी पैसे जैसे जानवर रहा करते थे। ठीक है। ठीक है भाई, उतना पढ़ा लिखा तो कोई हुआ नहीं करता था, जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। ठीक है। हैव मूव टू अदर प्लेसेस, और वो क्या हो जाते थे, है ना, नोमैडिक, आप समझ लीजिए कि भाई है ना, जैसे एनिमल है, यहाँ खाया फिर थोड़ी दूर मूव करके उधर चला गया, जहाँ पानी मिला, जहाँ खाना मिला, वहाँ मूव कर गया, तो ठीक है, ये नोमैडिक लाइफ कहलाती है। इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर, तो वो मूव कर जाते थे फिर कहाँ, फूड खाने की और पानी की तलाश में। थर्ड, इन विच इन इन सच साइट रॉक शेल्टर्स एंड केव्स यूज बाई दोज पीपल्स टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम हीट। ठीक है। वो कह रहा है ऐसी इन जगहों पर रॉक शेल्टर, पत्थरों के घर, एंड केव्स, गुफाएं यूज यूज की जाती थी बाई दोज पीपल, इन इंसानों के द्वारा, टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ, ताकि वो अपने आप को बचा सकें फ्रॉम हीट, धूप से, रेन, बारिश से, विंड से, कोल्ड से, विंड वाइल्ड एनिमल से, बर्ड डिस्कवर। ठीक है। तो ये इस टाइप की चीजें बनाई गई थी या डिस्कवर की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, ए फ्यू सच केव्स, कुछ ऐसी ही केव्स विद वॉल पेंटिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड, जिनकी दीवारों पे पेंटिंग थी वो भी पाई गई हैं, इन भीमबेटका, किस जगह पे, भीमबेटका, ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश एमपी में है ना। नेक्स्ट, सच डेपिक्शंस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द केव्स एट अल्टमायरा। ठीक है। तो ये यहाँ पे भी भाई, यहाँ पे तो भीमबेटका में तो था, यहाँ पे भी था, इन स्पेन, ये जगह कहाँ पे है, स्पेन में है।
एंड लास्कॉस इन फ्रांस, तो फ्रांस में भी पाई गई हैं। लास्ट पॉइंट, द केव मैन यूज देयर फिंगर्स टू ड्रॉ दोज फिगर्स, जो गुफाओं में रहने वाले लोग थे वो अपनी उंगलियों से इन पेंटिंग्स को बनाने का काम करते थे। ऑन देयर केव दीवारों पे, गुफाओं की दीवारों पे, दे यूज लंपी पिगमेंट्स, लंपी पिगमेंट्स का यूज करते थे, पैड्स ऑफ मॉस एंड मिनरल सच एज ऑक्रे एंड चारकोल, इन सब चीजों को, यानी नेचुरल चीजें थी ज्यादातर, तो इन्हीं का वो इस्तेमाल किया करते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्क्राइब मेसोलिथिक एज इन योर ओन वर्ड्स, मेसोलिथिक एज को डिफाइन करें, एक्सप्लेन करें अपने शब्दों में। अब अपने शब्दों में करें तो हर स्टूडेंट के वर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, तो कोई नहीं, जरूरी नहीं कि आपको सबको एग्जैक्ट यही आंसर लिखना है, आप अपने तरीके से मॉडिफाइड करके चीजों को लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका ओवरऑल सेंस बदलना नहीं चाहिए, है ना बेटा। चलिए, द मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, ठीक है, ये कितने से कितने तक होती थी, ठीक है, 10,000 BCE टू 8,000 BCE तक, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, यहां तक होती थी, ठीक है, कौन सी, मेसोलिथिक। चलिए, द एंड ऑफ पैलोलिथिक एज मैन स्टार्टेड मूविंग क्लोजर टू वाटर, तो इंसानों ने स्टार्ट कर दिया था मूव करना कहाँ था, क्लोजर टू वाटर सोर्सेज, जहां पानी के सोर्स हुआ करते, जैसे कि रिवर्स के किनारे, लेक्स के किनारे, ठीक है। सेकेंड, ही देन एंटर्ड द पीरियड ऑफ मेसोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज, इसके बाद ये पीरियड एंटर कर गया किसमें, मेसोलिथिक एज में और मिडिल स्टोन एज में। दिस एज वाज ए ट्रांजिशन पीरियड फॉर पैलियोलिथिक मैन, तो ये ट्रांजिशन था, ट्रांजिशन का मतलब होता है बेटा जब कोई एक चीज एक, है ना, दूसरी फॉर्म में बदल रही होती है, यानी उनके बीच में जो स्टेट आती है वो फेज, ठीक। चलिए नेक्स्ट, मोस्टली द एस्पेक्ट ऑफ द ओल्ड स्टोन एज कंटिन्यू टू बी सीन, है ना, तो पुरानी स्टोन एज अभी भी कंटिन्यू थी, बट देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स, लेकिन कुछ नई चीजें हुई थी एज वेल, ये भी हुई थी, नई चीजें भी हुई थी, ठीक है। सम ऑफ द डेवलपमेंट्स वर, कौन कौन से थे, डोमेस्टिकेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, तो जंगली जानवर थे उनको पालना, घरों में रखना, पालना, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन टूल्स, टूल में काफी इंप्रूवमेंट्स है, आर्ट्स ऑफ पेंटिंग एंड ब्यूरियल सिस्टम, इन सब चीजों में बहुत परिवर्तन आ चुके थे। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट ए नोट ऑन नियोलिथिक सेटलमेंट्स एंड कस्टम्स एंड द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस फॉलोड बाय द इनहेबिटेंट्स, कह रहे हैं एक नोट लिखिए, आपको एक्सप्लेन करना नियोलिथिक सेटलमेंट्स एंड द कस्टम्स, यानी उनके सेटलमेंट कैसे थे, कैसा, है ना, कहाँ सेटल हुए थे वो, उनके कस्टम्स क्या थे, प्रैक्टिसेस क्या थी, फॉलो बाय द इनहेबिटेंट्स, इनके द्वारा जो फॉलो की जाती थी इनहेबिटेंट्स के द्वारा। चलिए जानते हैं नियोलिथिक सेटलमेंट्स क्या थे, एज द फार्मर्स नाउ स्टेड एट वन प्लेस, ठीक है, फार्मर जो थे किसान भाई, अब वो खेती बाड़ी करने लगे तो एक जगह खेती के पास उनको रहना पड़ेगा, एट वन प्लेस बिकॉज दे वर नाउ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप, क्योंकि अब वो फसल वगैरह उगा रहे थे। न्यू सेटलमेंट्स केम इन टू ऑफ फैमिलीज मेड देयर ड्वेलिंग्स नियर देयर फील्ड, ठीक है, न्यू सेटलमेंट्स केम, नए सेटलमेंट्स हुए, इन टू ऑफ फैमिलीज, फैमिली में, परिवार में रहने लगे लोग, मेड देयर ड्वेलिंग्स, अपनी ड्वेलिंग्स डेवलप की नियर देयर फील्ड, खेतों के आसपास, ठीक है। अब वो चाहते थे कि भाई कोई भी हो जाएगा खेत के आसपास ही रहे, दो ज्यादा दौड़ना भागना ना पड़े, है ना। नेक्स्ट, नियोलिथिक सेटलमेंट्स वर मेड अप ऑफ ए फ्यू क्लोजली बिल्ट हाउसेस सराउंडेड बाय ए कॉमन फेंस, ठीक है। अब कह रहा है नियोलिथिक सेटलमेंट्स में वर मेड अप ऑफ ए फ्यू क्लोजली बिल्ट, ठीक है, पास में क्लोजली बिल्ट हाउसेज, पास पास में घर बना दे, ऐसे नहीं कि दूर दूर घर बना दे, पास पास में, सराउंडेड बाई ए कॉमन फैंस, जो कि एक कॉमन बाउंड, फैंस कहते हैं जैसे तार वगैरह लगा देते हैं ना हम लोग अपने घर के चारों तरफ या खेतों के चारों तरफ, तो यानी वो इनसे घिरा रहता, फेंसिंग कर देते उसकी। नेक्स्ट, क्लस्टर मतलब छत्ता गुच्छा, एक ही जगह बहुत सारी चीजें होती हैं उसको क्लस्टर कहते हैं, क्लस्टर ऑफ दीज हाउसेज ग्रेजुअली डेवलप्ड इन टू विलेज, तो धीरे धीरे जब वो पास में घर बनाने लगे तो एक क्लस्टर बनने लग गया, तो ये गाँव बन गया, गाँव बस गया, एंड दे स्टार्टेड लिविंग इन कम्युनिटीज, और वो कम्युनिटीज में यानी कि एक साथ रहने लगे, मतलब एक समाज सा बनता चला गया उनका, है ना। चलिए नेक्स्ट, नियोलिथिक पीपल इन सम प्लेसेस लाइक, ठीक है, कैटल होप प्रेजेंट डे साउदर्न टर्की, आज की बात करें तो भाई उस समय पे ये कहते थे, लेकिन आज की बात करते हैं साउदर्न टर्की, यूज्ड मड ब्रिक्स, है ना, मिट्टी की जो ईंटें होती हैं उनका यूज करते थे टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस, अपना घर बनाने के लिए। फाइव, द अर्ली होम्स वर पिट्स डग इन टू द ग्राउंड, पुराने घर जो होते थे मिट्टी में गड्ढा खोद के बनाए जाते थे,
अंडरग्राउंड होम्स कैप्ट देम वार्म, अंडरग्राउंड होम्स जो होते थे उनको वार्म रखते थे, कब? ड्यूरिंग विंटर्स। भाई समर की बात थोड़ी करेंगे, विंटर की बात करेंगे, विंटर सेशन में। द साइड्स ऑफ द पिट्स वर प्लास्टर्ड विद मड, जो साइड्स होती थी गड्ढे की उनको प्लास्टर्ड क्या कहते हैं, मतलब कहते हैं लेप दिया, लीप दिया है ना, किससे? मड से, कीचड़ से। सम पिट्स इवन हैड लैडर, कुछ पिट्स में, गड्ढों में सीढ़ियां भी मिली हैं, होती थी। सम सच पिट्स हाउस हैज बीन एक्सकेवेटेड इन बुर्जा होम इन इंडिया। ठीक है, कह रहे हैं कि कुछ पिट्स जो होते एक्सकेवेटेड खुदाई में मिले हैं, इन बुर्जा होम इन इंडिया, इंडिया में भी मिले हैं इस टाइप की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिस की बात करें तो इट हैज बीन फाउंड दैट दे बरीड द डेड इन प्रॉपर वे अलोंग विद सम गिफ्ट्स। तो यानी ये लोग जब है ना, जो किसी की डेथ हो जाती थी उनको है ना दफना देते थे, तो उनको कुछ गिफ्ट, उनके साथ में कुछ गिफ्ट भी दफनाते थे। ठीक है भाई, जो उन लोगों, जो इंडिविजुअल पर्सन को पसंद रहा होंगी चीजें। ठीक, सेकेंड, द न्योलिथिक पीपल बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, वो बिलीव करते थे कि डेथ के बाद भी लाइफ होती है, ऐसा वो बिलीव किया करते थे। द ब्यूरियल साइट वर मार्क्ड विद ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जो ब्यूरियल साइट हुआ करती थी वहां पे रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर बहुत देखेंगे ऑफ स्टोन, स्टोन्स की, जिनको हम क्या कहते हैं, मेगालिथ्स। क्या कहते हैं? मेगालिथ्स। नेक्स्ट, इनसाइड सम ऑफ द ब्यूरियल साइट्स मेगालिथ्स इन मेहरगढ़, कहाँ पे हैं? इंडिया की बात करें मेहरगढ़ में है। ठीक है, पॉटरी एंड रिमेन्स ऑफ एनिमल हैज बीन फाउंड, और यहाँ पे क्या है, पॉटरी फाइंड की गई है, एनिमल्स के है ना अवशेष फाइंड किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट, ये कितना था पहले, 1 2 3, हाँ चलिए 4, पीपल ऑफ दैट टाइम पॉसिबली वर्शिप मदर नेचर एंड हर फोर्सेस। तो यानी जो वर्शिप थी, पूजा वगैरह ये किया करते थे, तो क्या करते थे, मदर नेचर यानी नेचर प्रकृति की पूजा किया करते, एंड हर फोर्सेज उनके जो भी ड्राइव फोर्सेस थे। नेक्स्ट, द फर्स्ट टेम्पल और प्लेस ऑफ वर्शिप एंड द फर्स्ट प्रीस्ट आर सेड टू हैव अपियर दिस पीरियड। तो ऐसा माना जाता था कि फर्स्ट टेम्पल ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो भी हुआ करते थे, एंड द फर्स्ट प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब पुजारी जो था, आर सेड टू बी अपियर इन दिस पीरियड, कि भाई इसी पीरियड में पहला पुजारी वगैरह हुआ था, ऐसा माना जाता है। मोस्ट ऑफ देयर रिलीजियस राइट्स वर रिलेटेड टू क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज। ठीक है, तो कह रहा है मोस्ट ऑफ देयर रिलीजियस साइट्स, ठीक है साइट्स कह लीजिए इसको है ना, क्या थे, वर रिलेटेड टू, रिलेट थे किस चीज से? ठीक है, क्रॉप से है ना, राइट्स आप ये कह सकते हैं, ये अफेक्ट थे या उनसे जुड़े हुए थे, ऐसे भी कह सकते हैं ना। ठीक, क्रॉप से, एवरीडे लाइफ एक्टिविटीज से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द इन्वेंशन ऑफ व्हील टर्म एज द रिमार्केबल इन्वेंशन ऑफ द पीरियड। कह रहे हैं कि ये बताओ भाई, व्हील जो पहिया था उसकी जो इन्वेंशन हुई, खोज हुई, ठीक है, उसको एक रिमार्केबल मतलब सब कुछ जैसे बदल देने वाला होता है, ऐसी एक खोज थी, डिस्कवरी थी, यहाँ डॉट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में बात करते हैं। ए रिमार्केबल डिस्कवरी ऑफ द पीरियड वाज द इन्वेंशन ऑफ व्हील। तो ये जो डिस्कवरी थी व्हील की, एक रिमार्केबल थी। दिस मेड द लाइफ ऑफ मैन इन दिस पीरियड इजियर इन नंबर ऑफ वे, क्योंकि इस समय में इंसानों की लाइफ को बहुत आसान बना दिया था पहिए की व्हील की खोज ने। कैसे जानते हैं? नाउ पीपल बिल्ड कार्ट, लोगों ने कार्ट बनाई है ना, कार्ट मतलब बैलगाड़ी टाइप की जैसे होती है ना, कार्ट गाड़ी। वर ड्रॉन बाई टेम्ड एनिमल्स, ठीक है, डॉन, और उनको कौन खींचता था? टेम्ड एनिमल, जैसे है ना बैल हो गए, भैंसा हो गया, ठीक है, इस साइज से ये टेम्ड एनिमल उसको खींचते थे, ढुलाई करने वाले एनिमल्स। मोर पीपल वर नाउ एबल टू ट्रेवल इजिली, अब लोग उसमें बैलगाड़ी में बैठ के जाते थे है ना, बैल का जिक्र तो नहीं है लेकिन गाड़ी में बैठ के जाते थे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आसानी से जा सकते थे, यानी ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया था। इट हेल्प टू मूव हैवी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, भारी भरकम जो बोझ हुआ करते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो चुका था। फिफ्थ, द इन्वेंशन ऑफ व्हील ऑल्सो इम्प्रूव द आर्ट ऑफ पॉटरी, इन्वेंशन ऑफ व्हील ने पॉटरी की जो आर्ट थी, जो बर्तन, मिट्टी के जो बर्तन बनते थे, उनको भी अब आसान कर दिया था, ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगे उसमें अब। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है, कि भाई उनका जो चक वाला सिस्टम होता है, व्हील वो कैसे घूमता है और कैसे वो डिजाइन बना देते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें आसान होने लगी थी। इट मे हैव ऑल्सो बीन यूज टू स्पिन कॉटन फॉर मेकिंग थ्रेड,
अब कॉटन से थ्रेड बनाए जाने लगे, ठीक है, स्पिन करके घुमा घुमा के उनको, विच कुड लेटर बी वोवन इनटू क्लॉथ, और उसके बाद कपड़े बुने जाने लगे। तो यानी इस व्हील की वजह से इतनी सारी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया, क्लॉथ क्लॉथ वगैरह में है ना पॉटरी बनने लगी आसानी से, तो ये सारी चीज़ें बदल गई। तो इस तरह से इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपने देखा। तो क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है? कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर दीजिए कमेंट बॉक्स और बताइए हमें कि आपको कैसा लगा, क्या इस बुक के और भी चैप्टर के सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए, ठीक है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं, बाय बाय।